यार देखो, कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये जो कुछ लोग हैं जो थोड़ा चिल करने के लिए, मतलब जो यंगस्टर्स हैं उनको घर में रुकना बिल्कुल नहीं पसंद, उनको घूमना ही पसंद है, तो वो या तो ओपन कैफ़े में जाके बैठ जाएंगे या कोई भी कैफ़े में जाके बैठ जाएंगे। तो पता है तुमको, तुम्हारी वजह से यार तुम तो ठीक हो जाओगे, तुम्हारी तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, अभी तुम हो जाओगे ठीक। पर अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे मॉम डैड को हो गया या किसी और भी कोई भी एक्स वाई जेड बंदे को हो गया, सोसाइटी में किसी को हो गया, तो तुम क्या करोगे? तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? सिर्फ एक तुम्हारे इतने से चिल करने की वजह से किसी की लाइफ जा सकती है। तुमको पता है कितने लोग मर रहे हैं अभी, कितने केसेस आ रहे हैं दिन के? 2 लाख, 2 लाख लोग यार, किसको बोलते हैं 2 लाख? समझो इस, ये बहुत सीरियस बात है, इसको मजाक में बिल्कुल मत लो। जितना उसके घर पे रहो, और घर पे रहने में क्या बुराई यार, मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करो ना यार, उनको भी अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रही है। इस चीज़ का ध्यान रखो। और सीरियसली यार, अब भैया बाहर मत जाओ, क्यों जाना है बाहर यार? घर पे नेटफ्लिक्स देख लो, जो करना है कर लो, मॉम डैड के साथ जो करना है करो, फुल एंजॉय करो ये टाइम को। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, तुम्हारी वजह से ना कोई और सफ़र नहीं करना चाहिए। और सैनिटाइजर का ध्यान रखो, सैनिटाइज करते रहो, कहीं भी अगर कोई काम से कोई काम पड़े ना तब बाहर जाओ, तो भी मास्क वास्क एकदम पहन के, और डबल मास्क पहन लो यार। डबल मास्क भी होता है ये ना, एक एक ये मास्क लगाया उसके ऊपर एक और मास्क लगा दो तो डबल सेफ्टी हो जाएगी, वो रखो। और तुम्हारी वजह से कोई और सफ़र नहीं करना चाहिए, कोई भी मॉम डैड तो क्या, सोसाइटी में कोई सफ़र नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखो और घर पे रहो यार।